नमस्कार, मैं प्राध्यापक किशोर रेवतकर डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज से। मैं आपको चेयर पर बैठने के बाद में जो आसन अपन कर सकते हैं, इजी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। अपन जब इसमें कुर्सी में बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ऐसा थोड़ा सा झुक के बैठ जाते हैं, तो इसके वजह से पीठ के रिड्डी में प्रेशर आता है। और हम जब टेबल पे बैठते हैं तो ऐसा झुक कर हम लोग लिखते हैं तो ये जो हमारा वर्टिब्रा है जो उसके ऊपर में प्रेशर आता है तो इसमें गर्दन में जकड़न आती है। और कंटिन्यूसली जब हम लोग इस हाथ से लिखते हैं तो इस हाथ में या इस कंधे में भी जकड़न आती है। तो इसको हम लोग 3-4 घंटे के बाद में हल्की हल्की अगर एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं तो इसमें हमको बहुत आराम मिलेगा और हमको दिन भर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। मैं 3 पार्ट में आपको इसको बताना चाहूंगा। पहले कंधा और जो गर्दन वाला ऊपर वाला जो भाग है, सिर वाला भाग, उसके बाद में कंधे से नीचे लेके हमारा हिप जॉइंट तक है उसकी एक्सरसाइज में बताऊँ, जिसमें हमारा जो वर्टिब्रा होता है उस वर्टिब्रा की एक्सरसाइज भी हमको बहुत जरूरी होती है। उसके बाद में नीचे में जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से हिप से लेके तो नीचे के उंगलियों तक, उसका तो 3 पार्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले आ गई हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी बैठे बैठे कर सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करते समय मैं जिस तरीके से सीधा बैठा तो ऐसा बैठना, ऐसा झुक के ऐसा नहीं बैठना। तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो है उसको हमको सीधी रखना है। तो हम लोग पहले एक काम करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें 5 से 10 बार हम लोग उसको रिपीट करना है, उसको फिर रिवर्स भी रिपीट करना है। तो सबसे पहले गर्दन वाले एक्सरसाइज, तो इस तरीके से हम लोग ऐसी घुमा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसको उल्टी दिशा में घुमाना है हमको, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया, हमने इधर से घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे हम लोग इसको नीचे में भी ला सकते हैं और पीछे में भी लेकर जा सकते हैं, ताकि ये जो यहाँ पे जो जॉइंट हमारा, जो सर का और इस हड्डी का, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो जब हम लोग मुंडी को ऊपर करेंगे तो हम थोड़ा सांस भी ले सकते, सांस खींच के और नीचे जब करेंगे तो हम लोग सांस छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग दबा रहे हैं उसको। ये हो गया एक बार इस तरीके से। फिर हम लोग साइडवेज भी इधर भी जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसे 5 बार कर सकते हैं हम लोग। फिर उस विपरीत दिशा में भी हमको 5 बार हमको करना है। तो इस तरीके से हमने सर्कल किया, बाद में ऊपर नीचे किया इस कर, तो ये हमारा जो जॉइंट है वो फ्री हो गया। इसके बाद में हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। तो कंधे की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ये कंधे हाथ ऐसे ही रखेंगे हम लोग, पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर इसको भी उल्टी दिशा में, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने कर दिया। फिर इस हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, फिर हम लोग इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, हम लोग बड़ा सर्कल कर सकते हैं हम लोग, 3, 4, 5, तो इसको उल्टा करके 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से। फिर इसको हम लोग हाथ इस तरीके से जोड़ देंगे, फिर इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। थोड़ा ये जो दोनों घुटने ये इस तरीके से लगने चाहिए, थोड़ा शर्ट लूज कर लीजिए इस तरीके से, 3, 4, 5। फिर इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये कंधे थोड़े से हमारे हो गए। अगर और भी चाहिए तो इसको दोनों हाथ ऐसे पकड़ के इस तरीके से पकड़ सकते हैं, एक कंधे को ऐसे पकड़ के इस साइड में खींचना, इस साइड में जोर लगाना है,
फिर इधर साइड चार पांच, ये हो गया। इसके बावजूद और एक एक्सरसाइज कर सकते, इसको ऐसे पकड़ने का और ये वाला जो हाथ है पीछे जाएगा इस साइड में, ऐसे इसको ऐसे दबाने का, फिर इस हाथ को ये हो गया, तो थोड़ा फंदे में ये हो जाएगा। बाद में ऐसा स्ट्रेच करके इस हाथ को इस तरीके से दबाओ, इसको इस तरीके से दबा के इधर में सीधा बैठना इस तरीके से, और इस हाथ को इस ऐसे दबा के, ताकि ये पीछे वाले जो मसल्स है वो थोड़ा फ्री हो जाए। इसके बाद में ये हाथ जो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा खींच लो, और सामने जितना खींच सकते हो, लेकिन बैठना सीधा है हमें, बिल्कुल बैठने की जो पोजीशन हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेच करिए और इसी हाथ को ऐसे पकड़ के पीछे साइड में लेकर जाने का है, और पीछे साइड में स्ट्रेच करिए, ताकि ये जो कंधे है हमारे, कंधे का पूरे तरीके से एक्सरसाइज हो जाए। इसके बाद में हम लोग अभी जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे राइट और लेफ्ट में। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इस तरीके से हाथ पकड़ कर हम लोग और दूसरी एक्सरसाइज कर सकते, इस ऐसे खींच सकते, तो कंधों में इसमें इससे भी जोर लगता है। ऐसे पांच बार कर लीजिए, फिर हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ कर लीजिए, फिर ऐसा मुड़िए, एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चार पांच। जिसको गर्दन का प्रॉब्लम है, जिसको बेल्ट है, उसने जरा संभल के इस एक्सरसाइज को करना है, लेकिन कर सकते हैं धीरे धीरे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वैसे। इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज है जो इसके लिए बहुत जरूरी होती है, दोनों हाथ ऐसे रखने के हैं, ऐसा पांच बार कर सकते हैं। इसके बाद में भी और एक है जिसमें हम इस पोर्शन को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे आने हैं, एक पाव ऐसे रखो, एक पाव सीधा रखो, ठीक है, फिर सीधा रखिए, फिर इसके बाद में ये जो टखना है मेरा, ये इस घुटने के पास आना चाहिए, ताकि इसको ट्विस्ट मिलेगा। इसके बाद में इस पाव को पास में रखना, इसको स्ट्रेच करना है, पांच बार हो गए, फिर इसको सीधा रखिए। इसके बाद में और एक एक्सरसाइज है जो ऐसे हाथ रखे हम लोग सामने में झुकेंगे, ताकि हम इस हड्डी को ये करेंगे, तीन चार पांच, इस तरीके से हो गया। तो हम लोग ऐसे भी मुड़ गए, ऐसे भी मुड़, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें हम इजहार कर सकते हैं, जो जैसे चाहिए, ताकि इस ये जो पोर्शन है जो हमारी हड्डी है उसको थोड़ा इस साइड में और इस साइड में अच्छे से। इसके बाद में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे सीधा बैठने का, थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाइए, ये जो हमारी जो हड्डी है उसको तो हमने ऐसा ट्विस्ट कर दिया, अभी हम उसको इस तरीके में और इस तरीके से, बहुत सिंपल है। उसके लिए हमारे हाथ सीधे ऐसे रहेंगे, फिर ये जमीन को टच करना इस तरीके से, इसको चाहिए तो आप 10 बार करें, लेकिन बैठते वक्त सीधा बैठने का, इस तरीके से, नहीं हाथ टच हो रहा तो कोई बात नहीं चलेगा,
कोशिश करो धीरे धीरे आ जाएगा, पहले दिन तो नहीं आएगा। इससे हमारा जो बड़ा हुआ जो पेट है उसमें भी ये जो मसल्स यहाँ पे जो फैट चढ़ा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो उसकी वजह से अच्छा। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन करने में मजा आता है अपने को, ये कर सकते। इसके बाद में हम इसके लिए एक्सरसाइज देखेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बैठे बैठे हमारे पाँव में थोड़ा सा पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता है, तो उसके लिए जो सामने के जो ये है ये उठाने हमको, जो हमारे फिंगर्स है सामने के वो ऐसे उठाने के, बाकी जो चाँच है जो वैसी रहेगी, टच रहेगी जमीन से। इसको 10 बार 15 बार 20 बार जितना चाहिए उतना दिन भर में बैठे बैठे काम करते करते भी हम लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड हार्ट है ये जो जिसको मराठी में पोटरी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाता है इस तरीके से। ये आप 10-15 बार 20 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद में उंगलियां वैसी रखने का है, फिर ये पीछे वाला जो ये ऐसे उठाने का, ऐसे इस तरीके से। इसको आप 15 बार 20 बार 25 बार जितना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, इस तरीके से हमको इसको करना है। तो ये आराम से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग सीधा ऐसे बैठ के एक पाव ऐसे रखने का, एक पाव सीधा उठाने का, एक फिर नीचे रखो, दो तीन, जितना उठता है उतना, जरूरी कि ऊपर जाना चाहिए, चार पांच, फिर इस पाव को करो, एक दो तीन चार पांच, फिर दोनों पाव को कर सकते हैं आप। इसको हाथों से ऐसा पकड़ के रखिए, सीधा बैठिए, इसको ऐसा स्ट्रेच करिए, एक दो तीन चार पांच, तो ये एक्सरसाइज। इसके बाद में ऐसे हाथ पकड़ के आप साइकिल चलाते हैं, उस तरीके से आप साइकिल चलाइए ताकि ये जो आपके हिप के जो जॉइंट है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप साइकिल चला सकते हैं, जितना हो रहा है उतना। एक बार फॉरवर्ड हो गया फिर रिवर्स मार दीजिए साइकिल को, ये साइकिल हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप बैठ के स्ट्रेच करके, ये ऐसे हाथ है तो ऐसे ला सकते हैं आप, ये कर दिया तो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी आगे पीछे हो गई, ट्विस्ट हो गए ऐसे ऐसे, फिर इस साइड में और इस साइड में भी हमने झुका लिया। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी और भी है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ऐसे सीधा बैठे रहो, ऐसे पकड़ के रहो, ये जो पाव है इस तरीके से करिए ताकि ये जो ज्वाइंट है इसमें भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। इस तरीके से आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें प्रकार है, आप चाहे तो आप इंटरनेट में भी बहुत देख सकते हैं, लेकिन जो सिंपल चीजें जो होती है वो सिंपल चीजों से हम लोग काफी, देखिए मैंने बराबर चालू किया तो कम से कम मुझे 15 मिनट ये लगे। 15 मिनट में मैंने पूरा गर्दन, रीढ़ की जो मेरी हड्डी है उसकी, हिप के ज्वाइंट्स, ये घुटने टखने, और ये बैठे बैठे जब हम लोग बैठे रहते बहुत बार तो जनरली ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे रिदमेटिकली अगर आप इस तरीके से करते रहोगे, एक दो एक दो एक दो, तो ये जो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई वो फ्री हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारी मसल्स दबी हुई जिसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता वो भी खुल जाएगा। तो ये कर सकते हैं, इसके बाद में ये करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो खड़े होकर भी आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आपको थोड़ा सा रिफ्रेश लगेगा। अच्छा, बैठकर हम एक्सरसाइज करने से ऐसा नहीं होता है कि हमने बहुत खाना खा लिया तो हम कैसा करें, क्योंकि हम लोग पीठ को ज्यादा ये नहीं करें, ये दबा नहीं रहे उसके वजह से। तो खाना खाने के बाद में, जैसे हम लोग 10 बजे 11 बजे ऑफिस में जाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद में, मानकर के लिए 12 बजे 12:30 बजे के आसपास भी अगर हमने 10 मिनट हमारे लिए 15 मिनट निकाल लिए तो उसके बाद में आधा घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं।
तो ये एक्सरसाइज या शाम को 4-4:30 बजे भी आप इसको दोहरा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर इसमें रहेगी और हमारे जो बदन में जो जकड़न है वो जकड़न निकल जाएगी। धन्यवाद। तो चेयर पर बैठने के बाद में जो आसन अपन कर सकते हैं, इजी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। अपन जब इसमें कुर्सी में बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ऐसा थोड़ा सा झुक के बैठ जाते हैं, तो इसकी वजह से पीठ के रिड्डी में प्रेशर आता है। और हम जब टेबल पे बैठते हैं तो ऐसा झुक कर हम लोग लिखते हैं तो ये जो हमारा वर्टिब्रा है जो उसके ऊपर में प्रेशर आता है, तो इसमें गर्दन में जकड़न आती है। और कंटिन्यूसली जब हम लोग इस हाथ से लिखते हैं तो इस हाथ में या इस कंधे में भी जकड़न आती है। तो इसको हम लोग 3-4 घंटे के बाद में हल्की हल्की अगर एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं तो इसमें हमको बहुत आराम मिलेगा और हमको दिन भर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, मैं 3 पार्ट में आपको इसको बताना चाहूँगा। पहले कंधा और जो गर्दन वाला ऊपर वाला जो भाग है, सिर वाला भाग, उसके बाद में कंधे से नीचे लेके हमारा हिप जॉइंट तक है उसकी एक्सरसाइज में बताऊँ, जिसमें हमारा जो वर्टिब्रा होता है उस वर्टिब्रा की एक्सरसाइज भी हमको बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद में नीचे में जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से हिप से लेके तो नीचे के उंगलियों तक, उसका तो 3 पार्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले आ गई हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी बैठे बैठे कर सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करते समय मैं जिस तरीके से सीधा बैठा हूँ तो वैसा बैठना है, ऐसा झुक के ऐसा नहीं बैठना। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसको हमको सीधी रखना है। तो हम लोग पहले एक काम करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें 5 से 10 बार हम लोग उसको रिपीट करना है, उसको फिर रिवर्स भी रिपीट करना है। तो सबसे पहले गर्दन वाले एक्सरसाइज, तो इस तरीके से हम लोग ऐसी घुमा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर इसको उल्टी दिशा में घुमाना है हमको, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया, हमने इधर से घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे हम लोग उसको नीचे में भी ला सकते हैं और पीछे में भी लेकर जा सकते हैं, ताकि ये जो यहाँ पे जो जॉइंट हमारा जो सर का और इस हड्डी का वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो जब हम लोग मुंडी को ऊपर करेंगे तो हम थोड़ा सांस भी ले सकते, सांस खींच के और नीचे जब करेंगे तो हम लोग सांस छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग दबा रहे हैं उसको। ये हो गया एक बार इस तरीके से। फिर हम लोग साइडवेज भी इधर भी जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसे 5 बार कर सकते हैं हम लोग। फिर उस विपरीत दिशा में भी हमको 5 बार हमको करना है। तो इस तरीके से हमने सर्कल किया, बाद में ऊपर नीचे किया इस कर, तो ये हमारा जो जॉइंट है वो फ्री हो गया। इसके बाद में हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। तो कंधे की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ये कंधे हाथ ऐसे ही रखेंगे हम लोग, पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर इसको भी उल्टी दिशा में, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने कर दिया। फिर इस हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, फिर हम लोग इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, हम लोग बड़ा सर्कल कर सकते हैं हम लोग, 3, 4, 5, तो इसको उल्टा करके 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से। फिर इसको हम लोग हाथ इस तरीके से जोड़ देंगे, फिर इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। थोड़ा ये जो दोनों घुटने हैं ये इस तरीके से लगने चाहिए, थोड़ा शर्ट लूज कर लीजिए इस तरीके से, 3, 4, 5। फिर इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये कंधे थोड़े से हमारे हो गए। अगर और भी चाहिए तो इसको दोनों हाथ ऐसे पकड़ के इस तरीके से पकड़ सकते हैं, एक कंधे को ऐसे पकड़ के इस साइड में खींचना, इस साइड में जोर लगाना है,
फिर इधर साइड चार पांच, ये हो गया। इसके बावजूद और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ने का और ये वाला जो हाथ है पीछे जाएगा इस साइड में, ऐसे इसको ऐसे दबाने का, फिर इस हाथ को ये हो गया, तो थोड़ा फंदे में ये हो जाएगा। बाद में ऐसा स्ट्रेच करके इस हाथ को इस तरीके से दबाओ, इसको इस तरीके से दबा के इधर में सीधा बैठने इस तरीके से, और इस हाथ को इस ऐसी दबा के, ताकि ये पीछे वाले जो मसल्स है वो थोड़ा फ्री हो जाए। इसके बाद में ये हाथ जो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा खींच लो और सामने जितना खींच सकते हो वैसे, लेकिन बैठना सीधा है हमें, बिल्कुल बैठने की जो पोजीशन हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेच करिए और इसी हाथ को ऐसे पकड़ के पीछे साइड में लेकर जाने का है, और पीछे साइड में स्ट्रेच करिए, ताकि ये जो कंधे है हमारे, कंधे का पूरे तरीके से एक्सरसाइज हो जाए। इसके बाद में हम लोग अभी जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे राइट और लेफ्ट में। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इस तरीके से हाथ पकड़ कर हम लोग और दूसरी एक्सरसाइज कर सकते, इस ऐसे खींच सकते, तो कंधों में इसमें इससे भी जोर लगता है। ऐसे पांच बार कर लीजिए, फिर हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ कर लीजिए, फिर ऐसा मुड़िए, एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चार पांच। जिसको गर्दन का प्रॉब्लम है, जिसको बेल्ट है, उसने जरा संभल के इस एक्सरसाइज को करना है, लेकिन कर सकते हैं धीरे धीरे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वैसे। इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज है जो इसके लिए बहुत जरूरी होती है, दोनों हाथ ऐसे रखने के हैं, ऐसा पांच बार कर सकते हैं। इसके बाद में भी और एक है जिसमें हम इस पोर्शन को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे आने हैं, एक पाव ऐसे रखो, एक पाव सीधा रखो, ठीक है, फिर सीधा रखिए, फिर इसके बाद में ये जो टखना है मेरा, ये इस घुटने के पास आना चाहिए, ताकि इसको ट्विस्ट मिलेगा। इसके बाद में इस पाव को पास में रखना, इसको स्ट्रेच करना है, पांच बार हो गए, फिर इसको सीधा रखिए। इसके बाद में और एक एक्सरसाइज है जो ऐसे हाथ रख के हम लोग सामने में झुकेंगे, ताकि हम इस हड्डी को ये करेंगे, तीन चार पांच, इस तरीके से हो गए, तो हम लोग ऐसे भी मुड़ गए, ऐसे भी मुड़ गए, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें हम इजहार कर सकते हैं, जो जैसे चाहिए, ताकि इस ये जो पोर्शन है जो हमारी हड्डी है उसको थोड़ा इस साइड में और इस साइड में अच्छे से। इसके बाद में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे सीधा बैठने का, थोड़ा सा कॉर्नर में आ जाइए, ये जो हमारी जो हड्डी है उसको तो हमने ऐसा ट्विस्ट कर दिया, अभी हम उसको इस तरीके में और इस तरीके से, बहुत सिंपल है, उसके लिए हमारे हाथ सीधे ऐसे रहेंगे, फिर ये जमीन को टच करना इस तरीके से, इसको चाहिए तो आप 10 बार करें, लेकिन बैठते वक्त सीधा बैठने का इस तरीके से। नहीं आठ टच हो रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोशिश करो, धीरे धीरे आ जाएगा, पहले दिन तो नहीं आएगा,
इससे हमारा जो बड़ा हुआ जो पेट है उसमें भी ये जो मसल्स यहाँ पे जो फैट चढ़ा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो उसकी वजह से अच्छा। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन करने में मजा आता है अपने को, ये कर सकते। इसके बाद में हम इसके लिए एक्सरसाइज देखेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बैठे बैठे हमारे पाँव में थोड़ा सा पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता है, तो उसके लिए जो सामने के जो ये है ये उठाने हमको, जो हमारे फिंगर्स है सामने के वो ऐसे उठाने के, बाकी जो चाँच है जो वैसी रहेगी, टच रहेगी जमीन से। इसको 10 बार 15 बार 20 बार जितना चाहिए उतना दिन भर में बैठे बैठे काम करते करते भी हम लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड हार्ट है ये जो जिसको मराठी में पोटरी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाता है इस तरीके से। ये आप 10-15 बार 20 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद में उंगलियां वैसी रखने का है, फिर ये पीछे वाला जो ये है ऐसे उठाने का, ऐसे इस तरीके से। इसको आप 15 बार 20 बार 25 बार जितना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, इस तरीके से हमको इसको करना है। तो ये आराम से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग सीधा ऐसे बैठ के एक पाँव ऐसे ही रखने का, एक पाँव सीधा उठाने का, एक फिर नीचे रखो, दो तीन, जितना उठता है उतना, जरूरी कि ऊपर जाना चाहिए, चार पांच, फिर इस पाँव को करो, एक दो तीन चार पांच, फिर दोनों पाव को कर सकते हैं आप। इसको हाथ से ऐसा पकड़ के रखिए, सीधा बैठिए, इसको ऐसा स्ट्रेच करिए, एक दो तीन चार पांच, तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद में ऐसे हाथ पकड़ के आप साइकिल चलाते, उस तरीके से आप साइकिल चलाइए ताकि ये जो आपके हिप के जो ज्वाइंट है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप साइकिल चला सकते हैं, जितना हो रहा है उतना। एक बार फॉरवर्ड हो गया फिर रिवर्स मार दीजिए साइकिल को, ये साइकिल हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप बैठ के स्ट्रेच करके, ये ऐसे हाथ है तो ऐसे ला सकते हैं आप, ये कर दिया तो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी आगे पीछे हो गई, ट्विस्ट हो गए ऐसे ऐसे, फिर इस साइड में और इस साइड में भी हमने झुका लिया। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी और भी है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ऐसे सीधा बैठे रहो, ऐसे पकड़ के रहो, ये जो पाव है इस तरीके से करिए ताकि ये जो ज्वाइंट है इसमें भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। इस तरीके से आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें प्रकार है, आप चाहे तो आप इंटरनेट में भी बहुत देख सकते हैं, लेकिन जो सिंपल चीजें जो होती है वो सिंपल चीजों से हम लोग काफी, देखिए मैं बराबर चालू किया तो कम से कम मुझे 15 मिनट ये लगे, 15 मिनट में मैंने पूरा गर्दन, रीढ़ की जो मेरी हड्डी है उसकी, हिप के ज्वाइंट्स, ये घुटने टखने, और ये बैठे बैठे जब हम लोग बैठे रहते बहुत बार तो जनरली ऐसे ऐसे हिलाते हैं, इसे रिदमेटिकली अगर आप इस तरीके से करते रहोगे, एक दो एक दो एक दो, तो ये जो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई वो फ्री हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारी मसल्स दबी हुई है जिसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता वो भी खुल जाएगा। तो ये कर सकते हैं, इसके बाद में ये करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो खड़े होकर भी आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आपको थोड़ा सा रिफ्रेश लगेगा। अच्छा, बैठकर हम एक्सरसाइज करने से ऐसा नहीं होता है कि हमने बहुत खाना खा लिया तो हम कैसा करें, क्योंकि हम लोग पीठ को ज़्यादा ये नहीं करें, ये दबा नहीं रहे उसके वजह से। तो खाना खाने के बाद में जैसे हम लोग 10 बजे 11 बजे ऑफिस में जाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद में मानकर चलिए 12 बजे 12:30 बजे के आसपास भी अगर हमने 10 मिनट हमारे लिए 15 मिनट निकाल लिए तो उसके बाद में आधा घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं।
तो ये एक्सरसाइज है, या शाम को 4-4:30 बजे भी आप इसको दोहरा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर इसमें रहेगी और हमारे जो बदन में जो जकड़न है वो जकड़न निकल जाएगी। धन्यवाद।